Hello everyone, welcome back again. Hello everybody. We're waiting for the followers to join so that we will start our live session for today. आप सबका स्वागत है अमूल लाइव सेशन में. Hi everybody, hi everyone. This is Chef Sarthak from Russell Kaima Hilton, and today I'm here to do a live session. And hi Krishna Patel, thank you guys for joining. आज हम बनाने वाले हैं थ्री बीन बर्गर, वेजिटेरियन बर्गर, जो आप यूजुअली यूज टू गो एंड ईट. You know, a lot of people like to eat non-vegetarian burgers, so I'm just doing a version of three bean. The three bean hai, that is, hi Sonal, hi Tanu, hi Pratibha, hi everybody, hi Mahua Gupta, hi Kamini Sutaria, thank you guys so much for joining, hi Murshida, hi Minal. Guys, aaj hum banane wale hain three bean burger, jo hum use karne wale hain usme black bean, kidney bean aur lobia. Hum tino ko mila ke, boil karke, hum uska patty banayenge. Uski patty banane ke baad, what we gonna do, we'll be making a nice crispy crumb patty, aur uska hum burger banayenge aaj. And bahut hi simple and easy recipe hai. And I would like to welcome Revati. Revati हमारे साथ जुड़ी हुई हैं इंडिया से, जो खारे कमेंट्स पढ़ेंगी. And there will be Rohit who will be assisting me. Hi Bharat, thank you so much for joining guys. Welcome back again. Hi Lata Kapoor. आओ आपको मैं सबको ingredients दिखा देता हूँ आज live के. Hi Jaydeep Singh Thakur, thank you so much for joining. And don't forget to visit my YouTube channel, that is Ministry of Taste by Chef Sarthak Kochar, as well as my Instagram, that is I am Sarthak Kochar. So just let me show you the ingredients what I'm gonna use. आज हम यूज करने वाले हैं थ्री बीन. आप देख सकते हैं इसमें राजमा है, इसमें लोबिया है, इसमें ब्लैक बीन्स है. वी आर यूजिंग दीज थ्री बीन्स, और हम साथ में यूज करेंगे, हमने काटे हुए हैं टमाटर, प्याज और थोड़ा लेट्यूस. हमारे पास है चीज़, हमने बना के रखी है कोरिएंडर मायो, इसकी रेसिपी आपको भी मैं बता दूंगा. हमारे पास है बर्गर बन, हाय दीपक जैन. एंड देन यू कैन सी हमारे पास है बॉयल्ड पोटैटो, जिंजर, अनियन, हमारे पास है ग्रीन चिल्ली, और हमारे पास है पैनको क्रम, और थोड़े से मसाले जो है सॉल्ट, गरम मसाला, टर्मरिक पाउडर, क्यूमिन पाउडर, कोरिएंडर. सो आप देख सकते हैं कि मैं ये सब इंग्रेडिएंट्स यूज करने वाला हूँ आज अपने लाइव सेशन में. हाय डाया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. हाय लता कपूर, दैट्स ग्रेट. आज आप ट्राई कीजिए थ्री बीन बर्गर, जिसमें हम करेंगे देसी तड़का, जिसमें हम यूज करेंगे सारे देसी मसाले. हाय रेवती, कैन यू हेयर अस? ओके, सो थैंक यू सो मच. आई एम जस्ट गिविंग द फोन टू रोहित, एंड देन वी विल बी स्टार्टिंग आवर सेशन. दैट इज आज का जो सेशन है, मिडनाइट सेशन है, जो हम बनाएंगे थ्री बीन बर्गर, और हम साथ में सर्व करेंगे कोरिएंडर मायो के साथ एंड सम फ्रेंच फ्राइज. लेट मी जस्ट पास ऑन द कैमरा टू शेफ रोहित, एंड रेवती विल रीड द कमेंट्स. सो आज जो हम बनाने वाले हैं उसके लिए मैं आपको इंग्रेडिएंट दोबारा से दिखाने वाला हूँ, साथ साथ मैं बताने वाला हूँ क्या क्या यूज कर रहे हैं. हमारे साथ रेवती भी जुड़ी हुई है इंडिया से, जो सारे कमेंट्स पढ़ेंगी और साथ साथ हमें हेल्प करेंगी हमारी लोगों के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए. हाय रेवती, यू कैन कीप ऑन रीडिंग द कमेंट्स. ओके सर. अनुपमा नायक सेज हेलो शेफ, आल्सो विद नीता काले से दे हैव जस्ट जॉइन. हाय, हेलो एवरीबॉडी, हाय. हम पैटी बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे बॉयल पोटैटोस. हमने आलू को बॉयल करके रखा हुआ है पहले से ही, अक्सर घर में रात के बचे हुए कि आलू पड़े हुए हैं, तो हम वही यूज़ करेंगे बॉयल पोटैटोस. उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जिंजर, जिंजर चॉप करके डालेंगे. जिंजर बहुत ही अच्छा है विंटर्स के लिए. एंड देन हम उसमें डालेंगे थोड़ी सी ग्रीन चिली, फिर इसमें हम डालेंगे थोड़े से कटे हुए प्याज, और हम उसमें डालेंगे धनिया. हाय अस्मा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. हाय जया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. अब हम ये अपने इंग्रेडिएंट्स यूज कर चुके हैं, और अब हम इसमें डालेंगे हमारे मसाले. सबसे पहले हम यूज करने वाले हैं इसमें नमक, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर दैट इज टर्मरिक पाउडर, गरम मसाला और धनिया उसमें डाल चुके हैं. यस रेवती,
Yes, sir. So you're just now getting all the new joiners. You can say hi to Asma Godal also, as Hi. well as Riddhi Pipalila. हेलो एवरीबॉडी, थैंक यू गाइस सो मच फॉर ज्वाइनिंग अ मिडनाइट सेशन विद मी। और अब हम इसमें डालने वाले हैं थ्री बीन्स, जो उसमें हमने डाला है राजमा, ब्लैक बीन। वी हैव योर टॉप फैन अगेन सोनल मिस्त्री, शी सेज हेलो शेफ। हाय सोनल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। शेफ, देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम रिद्धि, व्हिच बीन्स यू टुक अदर देन राजमा? अगर आपके पास राजमा नहीं है तो आप इसमें कोई भी बीन्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यूज़ किया है ब्लैक बीन, लोबिया और राजमा। आप खाली लोबिया यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें चिकपी भी यूज़ कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको राजमा पसंद नहीं है तो आप राजमा को एलिमिनेट भी कर सकते हैं। राजमा के अलावा आपको बताया, आप यू कैन इवन यूज चिकपी एज वेल। सो मैं मिक्सर मिला रहा हूँ, उसमें बीन्स डाल दिए हैं। आई कैन ऐड सम मोर बीन्स। ये हमारा पैटी का मिक्सर है। अगर आपको चटपटा करना है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ यही मसाले यूज़ करने हैं, आप इसमें थोड़ा चाट मसाला ऐड कर सकते हैं इसको और चटपटा करने के लिए। और मिक्सर ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, मिक्सर आप देख सकते हैं, मिक्सर शुड बी थिक ताकि इसके अंदर बाइंडिंग रहे। और मैं इसमें यूज़ करने वाला हूँ पैनको क्रम, पर अगर आपके पास पैनको क्रम नहीं है तो आप नॉर्मल ब्रेड क्रम भी यूज़ कर सकते हैं। हेलो हेलो, थैंक यू सो मच मॉम फॉर ज्वाइनिंग। आल्सो रमा सूट सेज हाय शेफ। हेलो, हमारा मसाला हो गया तैयार। जस्ट जॉइन, शी इज आस्किंग व्हाट आर यू मेकिंग। हाय, आई एम मेकिंग टुडे थ्री बीन बर्गर। तीन बीन का हम बर्गर पैटी बनाएंगे और ये बच्चों को बहुत पसंद आएगा क्योंकि इसमें देसी तड़का है। इसमें कुछ भी आप देख सकते हैं, इसमें कोई भी हमने इंग्लिश मसाले यूज़ नहीं किए हैं, वी आर यूजिंग ऑल इंडियन स्पाइसेस। तो इसमें आपका स्पेशल ट्विस्ट है कोई? यस, इसमें स्पेशल ट्विस्ट जो है, हम इसमें यूज़ कर रहे हैं ग्रीन चिली, हम इसमें यूज़ कर रहे हैं जिंजर, हम इसमें यूज़ कर रहे हैं धनिया, गरम मसाला फ्रेशली कूटा हुआ है। और हम इसमें यूज़ कर रहे हैं हमारी बहुत ही बढ़िया क्रश। आप जिंजर को चॉप कर सकते हैं, आप जिंजर को जूलियन कर सकते हैं, और फ्रेश धनिया। तो इसमें कोई भी इंग्लिश स्पाइसेस नहीं है, वी आर यूजिंग ऑल इंडियन स्पाइसेस, नो पेपर नथिंग, सिर्फ अपने इंडिया के मसाले। थैंक यू सो मच। And Kritaba Jain, she's asking, breadcrumbs की जगह क्या यूज करें? अगर आपके पास breadcrumbs, आपके पास breadcrumbs नहीं है, आप normal semolina, आपके पास सूजी होगी, आप सूजी यूज कर सकते हैं। सूजी भी बहुत अच्छी रहती है क्रम को यूज करने के लिए, पार्टी को क्रम करने के लिए, एंड इट इज वेरी क्रिस्पी एज वेल। आप थोड़े से मिक्सर में भी डाल सकते हैं और ऊपर से उसमें भी यूज कर सकते हैं। देखिए, आप पैटी देख सकते हैं, मैंने पैटी बना ली है। यू कैन मेक डिफरेंट, आप इसको छोटी बड़ी, डिपेंड्स अपॉन यू वट काइंड ऑफ बर्गर यू यूजिंग। मैं मीडियम साइज बर्गर बन यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास बर्गर बन नहीं है, सो वट यू कैन डू इज यू कैन टेक, आप नॉर्मल ब्रेड ले सकते हैं, घर पे है, और आप मिक्सर बनाइए, इसको फ्राई करिए फ्लैट करके, एंड देन यू टेक टू वाइट ब्रेड्स, उसको आप इसके अंदर ये ग्रिल करके, आप उसको फ्राई करने के बाद पैटी निकालिए बाहर, एंड देन यू मेक अ सेम लेयरिंग एवरीथिंग इन द ब्रेड, एंड देन यू कैन ग्रिल द ब्रेड फ्रॉम बोथ द साइड। इट विल टेस्ट रियली अमेजिंग। Chef, you're getting compliments from Rita Sharma. Hi Chef, thank you for sharing yummy and healthy recipes. Thank you so much. Thank you guys, thank you so much. Let me just show them the ingredients what I've used. अभी हम repeat कर रहे हैं दोबारा recipe. इसके अंदर हमने use किया है three beans. आप देख सकते हैं mixture को. एंड देन इसके बाद हम जो ये सब सामान यूज़ करेंगे, एंड देन वील बी यूजिंग अ बैटर जिसको हम क्रम करेंगे। हाई शेफ, थैंक यू शेयरिंग फॉर योर रेसिपीज, थैंक यू। कृति, आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म यू कैन यूज चिकपी, आप दाल भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको सेम राजमा ही यूज़ करना है। तो इसकी मैं रेसिपी रिपीट कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं मिक्सर, आप देख सकते हैं पैटी। मैंने इस मिक्सर के अंदर डाला है आलू उबला हुआ, थोड़ा सा ग्रीन चिली। येस, यू कैन यूज रिधि, यू कैन यूज ग्रीन चिली पेस्ट, नॉट अ प्रॉब्लम। इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस, वो और ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा।
और आप देख सकते हैं मैंने इसमें क्या क्या यूज़ किया है। आई एम रिपीटिंग द रेसिपी। सबसे पहले हमने इसमें डाला है बॉयल पटेटो, ग्रीन चिली, फिर हमने इसमें डाला है थोड़ा सा जिंजर, चॉप अनियन। अब ये पैन को हम यूज़ करने वाले हैं। एंड देन आई हैव यूज सम सॉल्ट, क्यूमिन पाउडर, टर्मरिक पाउडर, थोड़ा गरम मसाला एंड थोड़ा सा चॉप कोरिएंडर। और हम बाद में यूज़ करेंगे हमारे वेजिटेबल्स, लाइक फॉर एग्जांपल हमें लेट्यूस है, टोमेटो है, अनियन है, चीज़ है। और आप देख सकते हैं मैंने एक गार्लिक मायो बनाई है, बिकॉज एज इट इज़ अ देसी थ्री बीन बर्गर, सो आई हैव मेड अ नाइस गार्लिक मायो। इसको हमने क्या किया है, हमने इसके अंदर गार्लिक मायो जो बनाई है, कोरिएंडर गार्लिक मायो, उसमें क्या किया हमने, गार्लिक डाला है, थोड़ा सा फ्रेश कोरिएंडर डाला है, मायनीज डाली है, उसको ब्लेंड किया है। एंड आई एम यूजिंग वेजिटेरियन मायनीज, नॉट एग मायनीज, सो इट्स अ प्योर वेजिटेरियन रेसिपी एंड हेल्दी। इफ़ यू वॉन्ट टू, हाई ईशा ढिंगरा, रेवती ईशा इज सेइंग हेलो टू यू, एंड येस आसमा, वी कैन मेक रैप्स। एंड टूडेज रेसिपी इज थ्री बीन बर्गर, वेजिटेरियन बर्गर, एगलेस मॉयनीज यूज़ करिए। अगर आपको मॉयनीज पसंद नहीं है देन यू कैन इवन यूज़ स्वीट चिली, आप केचप यूज़ कर सकते हैं, केचप के अंदर आप थोड़ा धनिया डालिए, थोड़ा जिंजर डालिए, एंड देन यू मेक अ वेरी नाइस टेस्टी ड्रेसिंग इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ गार्लिक मायो। सो अब हम क्या करेंगे, हम अपना ऑयल को गर्म करेंगे ताकि हम अपनी पैटीज को फ्राई कर सकें। हाय प्रियंका, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच रिधि। डोंट फॉरगेट टू विजिट माय यूट्यूब चैनल, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ टेस्ट बाय शेफ सार्थक कोचर। एंड डोंट फॉरगेट टू विजिट माय इंस्टाग्राम, दैट इज आई एम सार्थक कोचर। एंड सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर माय चैनल। एंड don't forget to visit my Facebook as well, so there I share all the easy and interesting recipes. I hope everybody has subscribed to Chef channel. Whosoever has joined late, Chef will write his YouTube channel also, he mentioned in the comments. Yes, definitely. So ab hum kya karenge, hum dobara gloves pehen lete hain aur ab hum apni patty ko, आप देख सकते हैं मेरे पास एक बैटर है, इस बैटर के अंदर मैं डालने डाला है थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा पानी, ये कोटिंग करने के काम आता है। एंड देन यू कैन इवन ऐड लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट एंड पेपर, तो आपके ऊपर है, आप अगर आपको नहीं डालना है तो इवन यू कैन ऐड जस्ट अ सॉल्ट एंड थोड़ा सा गर्म मसाला। बैटर हमारा तैयार है, हम अपनी पैटी को थोड़ा सा फ्लावर में डिप करेंगे एंड देन हम उसको बैटर में डिप करके अगेन फ्लावर में डिप करेंगे। और आप कर सकते हैं फ्लावर में डिप कीजिए, बैटर में डिप कीजिए, एंड देन वी हैव अ पैनको क्रम। ये रहा मेरे पास ब्रेड क्रम, मैं इसको ब्रेड क्रम में क्रम करूंगा। रेति ईशा सर, वेरी नाइस टू सी यू शेफ, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंड मावा, शी इज मेंशनिंग आई हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब टू योर चैनल सर, थैंक यू सो मच मावा। सो अब हमारी जो पैटी है, अब इसको हम अपने मैदे में थोड़ा सा क्रम करेंगे। थैंक यू सो मच। मैं इसको फ्राई कर रहा हूँ, और आपको बिल्कुल ही हेल्दी वर्जन करना है, सो यू कैन इवन डू एयर फ्राई इंस्टेड ऑफ फ्राइंग, सो दैट वुड बी अ मच मोर नाइसर ऑप्शन। अब हम इसको डिप करेंगे हमारे बैटर में। इससे क्या होगा, इस बैटर में हमने मैदा मिलाया है और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर भी डाला है, तो कॉर्नफ्लोर से क्या होगा, ये बहुत क्रिस्पी हो जाएगी। आप नॉर्मल मैदा भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं आपको किसी कॉर्नफ्लोर ही यूज करना है, यू कैन यूज नॉर्मल मैदा एज वेल। और आपके साथ आपका राइस फ्लावर है, सो आप राइस फ्लावर यूज कर सकते हैं, राइस फ्लावर इज वेरी नाइस एंड गिव्स अ वेरी क्रिस्पी टेक्सचर। सो हमने इसको कोट कर लिया है अच्छे से, हमारी पैटी हो गई खराब। रिधि इज सेइंग शेफ माय पैटी इज पैटी गेट वेरी वेट आफ्टर डिपिंग इन द बैटर when I try to do a crumb coating, please advise. The patty get very wet,
So that's why your mixture should not be very thin. It should be a bit thick mixture, the batter, so that your patty will not absorb it. Even same goes to your patty. That your patty mixture should not be very, it should be a bit tight, so it won't soak much more batter, and you need to take off from the batter very fast. No need to keep it in the batter for long, just like I did, just dip it and take it off. That's right. I hope Riddhi has got her answer. Also, Jerry is saying, Chef, instead of dipping in maida and all, can we add breadcrumbs or cornflour in the mixture while making the patty? Yes, you can do that. It's totally your personal choice. Neeta Kale is saying, nice to see you, Chef. Thank you so much. Our oil ho chuka hai garam. Chef, you can say hi to Kanak Kashwani, he has just joined. Hi, thank you so much for joining. As our patty is already cooked, we don't have to cook it for long. We will cook it a little bit. We'll give it a bit hot texture, crispy texture, and then our patty is ready. Chef, as Rama said, this is a very easy recipe to prepare and at this point of time, especially if yes. somebody is like craving for hunger, then this is the best thing to have in the time. True that. अब देख सकते हैं हमारी पैटी गोल्डन ब्राउन हो गई है. आप पैटी का कलर देख सकते हैं, फर्स्ट क्लास गोल्डन कलर आ चुका है, क्रिस्पी भी है. एंड वी विल रिमूव इट फ्रॉम द ऑयल. जो हमें पहले पैटी डाली थी उसको निकाल लेंगे. देख सकते हैं इट्स नाइस. आप आवाज़ सुन सकते हैं, इट्स नाइस क्रिस्पी. इसको बटर पेपर डालेंगे. दूसरी पैटी भी तैयार है. इट्स अ बिट थिक, सो वी विल फ्राई इट फॉर अ वाइल. जब तक हमारी पैटी फ्राई हो रही है, हम यहाँ पे अपना बर्गर बन को कट कर लेंगे. यस, बर्गर बन तैयार है. Chef, if you can repeat your YouTube channel, that would be great. Definitely, it's Ministry of Taste by Chef Sarthak Kocha. That's my YouTube channel, as well as I'm on Instagram, that is I am Sarthak Kocha, where I share the nice, lovely, crispy recipes like today. Oil ko hata lenge. There's a question also, can we do shallow fry? Yes, you can. As I told you, if you are a very health conscious, you can. Yes, you can do an air fry as well. हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे. ईशा डेंगरे सिंह, थैंक यू शेफ फॉर सच अ नाइस एक्सप्लेनेशन एंड नाइस ट्रिक. थैंक यू, इट्स माय प्लेजर, इट्स ऑलवेज माय प्लेजर. थैंक्स शेफ, रियली अमेजिंग. रिद्धि रिद्धि सेज वाओ. थैंक यू. अब हमारे जो बर्गर बने हैं, हम इसको थोड़ा सा सियर करेंगे. विल नॉट पुट इट इनटू अ हॉट बिकॉज इट्स अ देसी स्टाइल. जस्ट सियर इट अ बिट. और देख सकते हैं आप पैटी में से आपको आवाज़ आ रही है, इतनी क्रिस्पी है पैटी. और हमारा बन सिक चुका है एक. थैंक यू. हमारा दूसरा पैटी भी सीख चुका है, बनाएंगे अपना साइड में. एंड नाउ वी आर यूजिंग एज वी यूजिंग अ बटर पेपर. लुकिंग वेरी क्रिस्पी शेफ. यस इट इज इंडीड, इट्स वेरी क्रिस्पी. एंड नाउ जो मैंने बनाई थी कोरिएंडर मायो, हम वो यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ नॉर्मल मायोनीज. आप देख सकते हैं मैं यूज कर रहा हूँ कोरिएंडर मायो. आपको मैंने बताया था जो कोरिएंडर मायो मैंने बनाई है, दैट इज जस्ट अ कोरिएंडर. It's just a coriander, mayonnaise, and eggless mayonnaise. And now we'll be adding our lettuce. We'll add some tomato. We'll add some onion. See, vegetable is all optional. It's up to you if you want to use it, if you don't want to use it. एंड देन हम अपनी पैटी डालेंगे.
एंड देन मेरे पास है चीज़, चीज़ भी ऑप्शनल है अगर आपको यूज़ नहीं करना, सो इट्स अप टू यू, डजेंट मैटर। एंड मेरे को थोड़ा कोरिएंडर मैं ज़्यादा पसंद है, सो आई विल एड इट ऑन। और इस बर्गर के ऊपर डाल देंगे। और अब हमारे पास फ्राइज पड़े हुए हैं, आई एम जस्ट पुटिंग अ बिट ऑफ अ फ्राइज। अभी देखिए खाने का मन हो गया शेफ, लुक्स यम। थैंक यू सो मच। यू कैन हैव अ लुक of our vegan burger, vegetarian burger, crispy nice burger. And it is you can air fry if you are health conscious, you can even do a air fry. It totally depends upon you how you want to prepare this burger. I have served with the French fries, even you can use it, you can do it with homemade fries. And उसके लिए आपको क्या चाहिए, नॉर्मल पोटेटो लीजिए विथ स्किन भी, आप उसको वॉश करिए अच्छे से, तीन चार बार वॉश करिए पोटेटो को, एंड देन यू कट इन टू अ बैटन साइज, दैट इज अ फ्रेंच फ्राइज साइज, ऐसे छोटे साइज में काट सकते हैं, एंड देन यू डीप फ्राई इट। और अगर आपको इसको प्रॉपर और अच्छे से बनाना है, सो वट यू कैन डू इज आप पोटेटोज को कट कीजिए, उसको हाफ बॉयल कीजिए, ब्लांच कीजिए, एंड देन उसके बाद उसको आप फ्राई कीजिए। वंस यू फ्राई इट एंड देन यू पुट बिट ऑफ अ सी सॉल्ट लुक्स रियली यम एंड इट गिव्स अ वेरी नाइस टेस्ट टू द बर्गर एंड इवन टू द फ्राइज एंड गिव्स वेरी वेल गोज वेरी वेल विद आवर बर्गर। डू वी हैव एनी अदर कमेंट्स रेवती, सो दैट आई कैन आंसर बिफोर आई लीव? यस यस, या डेफिनेटली, यू आर गेटिंग, हियर वी गो। Yes, Revati. Bhagwat is saying it's looking the best. Thank you so much. You can show them the zoom. Awesome and great. It has a nice color combination. It has green, it has cheese, it has all the stuff, whatever a burger should have. It has a nice patty, it has a Indian flavor, it has Indian touch. It has sare masale bhi hain. Healthy. Yeah. See, it is healthy, but see, I'm frying it. Frying doesn't mean this is unhealthy. Yeah. Yes, because we are using all the vegetarian items and we are just deep frying it for a while. So it's not that difficult as we usually eat oil. It totally depends upon you how you fry, how you make your patty, how you crumb it, how you deep fry it. You don't put in the oil for a long time, a longer version, so that the patty should not, you know, absorb much oil. So this is the thing. So do we have any other questions, or I should take the camera and then say bye bye to everybody? That's it, chef. It's all later on. You can reply to any queries if I have missed out any. Thank you so much. Here we go. I'll just change the camera. Here I am. Thank you guys for joining my session. I hope you all have enjoyed it. और आज का midnight snacking ही रहा हो और आपको बहुत मजा आया हो ये सब रेसिपी ट्राई करने के लिए. Do try these recipes at home. Do let me know if you have any feedback, if you want any other kind of recipes. If you want to try this burger, it's there in my menu in Hilton Garden in Ras Al Khaimah, United Arab Emirates. Just 45 minutes drive from Dubai and you are here at my hotel and you can enjoy the bigger version of Three Bean Burger. And thank you Revati for supporting me as always. Thank you so much Rohit for holding the camera, and I think I should take a leave. We don't have any other comments. Revati, do you want to say something? Yes, also I would like to thank you all the viewers who have come at this point of time and you know, always promoting and always giving a lovable response. Yeah, so thank you all, and always at this stage being during the COVID situation, I will say please eat healthy, eat nice and stay fit. Thank you so much Revati, and for your kind words. And yeah, I have a question from Riddhi Papialia. Can we freeze the patties? Yes, you can freeze the patties. It's not a problem. You can just make a patty, crumb it, and you can deep fry and you can keep it for a month, and then you, whenever you have a guest in house, just deep fry it and use it. Thank you so much Isha, thank you so much Dad, thank you so much Kanak, thank you Priyanka, thank you Jamini, Devda, thank you guys for joining my session. Aaj ke liye hum lete hain bye bye. I'll see you again in December. I have
three live sessions already lined up for 5th of December, 11th of December and 25th of December. I will be there live. And Swapina Patel, my Instagram page is I am Sarthak Kochar, and I will just write it down here. I am Sarthak Kochar. You can just be there, and whenever I'm coming live, you can follow, you can look out my comments, and then I usually share my travel blogs. So aaj ke liye bye bye, good night, see you again in December on 5th, 11th and 25th. Don't forget the date. Do visit, do cook and stay home, stay safe. Bye bye.